स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। मैं दानिश रजा, आज हम लोग आपके सामने लेकर आ रहे हैं टॉपिक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है फिजिक्स का और इससे काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। सबसे अच्छी बात ऑप्टिक्स की ये होती है कि ऑप्टिक्स हमारा इजी है। दूसरी बात ये है कि हम लोग इसको 10th से पढ़ते आते हैं तो पहले से हमारा इससे टच है, तो ये अच्छी बात है। और स्कोरिंग भी है, ये इससे क्वेश्चंस भी हमारे जेई मेंस में और नीट में करीबन 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। ठीक है ना, तो हम लोग बात करें यहाँ पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर अभी पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट ना करके पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले मैं ऑप्टिक्स सॉरी कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर लाइट के बारे में बता दूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहला टर्म हमारे पास है लाइट। व्हाट इज लाइट बेटा, लाइट होती क्या है ये बताना है हमने। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की क्या है? एक फॉर्म है जो हमें क्या कर रही है, देखने में मदद कर रही है। सही है, ये जो डेफिनेशन है 9th क्लास की डेफिनेशन, बहुत छोटी सी डेफिनेशन की। लाइट क्या है हमारी? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो हमें लाइट क्या कर रही है? देखने में मदद तो कर रही है, लेकिन किसे देखने में मदद कर रही है? वो चीजें देखने में मदद कर रही है जिनसे वो आ रही है और जिनसे टकरा के हमारी आंख में आ रही है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि लाइट जो है हमारी एनर्जी की वो फॉर्म है जो देखने में मदद कर रही है। अब मुद्दे की बात है कि क्या देखने में मदद कर रही है, तो जिनसे वो आ रही है वो, और जिनसे टकरा के हमारी आंख में आ रही है वो। ठीक है ना, तो डेफिनेशन हमारी क्या बनेगी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट इज कमिंग और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। अगर मैं बेटा यहां पर आप लोगों को दिखाऊं, सिंपल सी लफ्जों में बात बताऊं, तो क्या हो रहा कि अगर मेरे पास क्या है कि एक हॉल है। ठीक है, उस हॉल में यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है। अब बंदे के पास में आंखें वगैरह भी हैं, बंदा है तो आंखें तो होंगी होंगी, ऑब्वियसली बात है। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक टेबल बना दी और अभी यहां पर कोई लाइट नहीं है प्रेजेंट, एकदम डार्क रूम है, यहां कोई लाइट प्रेजेंट नहीं है। अब मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने एक बल्ब लगाया, बल्ब मैंने लगाया ऐसे, ये बल्ब लगाया और इस बल्ब को चमकाया। जब इस बल्ब को मैंने स्विच ऑन किया तो यहां से क्या हुआ, लाइट गई, लाइट गई, वो बंदे की आंख में गई लाइट, इसने सारे पूरे के पूरे घर में गई है। अब हमें दिखेगा क्या क्या, ये दीवार से टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, ये ऐसे टकराई, ऐसे टकराई, फाइनली हमारी आंख में जा रही है। तो जहां जहां से ये टकरा के हमारी आंख में जा रही है, जिस जिस चीज से लाइट टकरा के आ रही है या डायरेक्ट आ रही है, वो हमें सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम कौन सी चीज देख पाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो चीजें देख पाते हैं जहां से टकरा के या जहां से डायरेक्ट लाइट हमारी आंख में आ जाती है। ठीक है ना, तो लाइट समझ आ गया। लाइट क्या है हमारी? एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमें क्या कर रही है, देखने में मदद कर रही है। क्या चीज देखने में मदद कर रही है? वो ऑब्जेक्ट जहां से लाइट आ रही है वो, या फिर जहां से टकरा के हमारी आंख में आ रही है वो सारे ऑब्जेक्ट हमें देखने में मदद कर रही है। जनरली क्या होता कि किसी अंधेरे रूम में बैठे हुए होते हैं हम लोग, मान लो, और वहां पर एसी या फैन चल रहा होता है, रूम एकदम बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल अंधेरा है, और क्या करते हैं कि एसी चला रखा है। तो एसी जब हमारा क्या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ट्रिप कर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी ट्रिप कर जाती है, तो हम लोग जनरली क्या कहते हैं, लाइट चले गई। एक्चुअली में लाइट नहीं जाती वहां पर, वहां क्या गया, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चला गया। क्या चला गया? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चला गया, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, लाइट चले गई। होता क्या था, क्यों या लाइट चले गई वर्ड यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ? यहां पर ऐसा हुआ जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी आती थी तो रोशनी के इतने साधन पहले नहीं थे, या फैन के इतने साधन नहीं थे, एसी के इतने साधन नहीं थे। वहां क्या होता था, जब इलेक्ट्रिसिटी आती थी तो बल्ब जला देते थे। ठीक है, बल्ब जल गया, तो जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी गई तो वो बल्ब बंद हो गया, तो लोगों ने क्या कहा कि लाइट चले गई, लाइट हमारे यहाँ नहीं है। एक्चुअली में क्या जाता है, एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी कट हुई है। ठीक है, उसकी वजह से बल्ब बंद हुआ है, उसकी वजह से उससे लाइट एमिट होना बंद हो गई है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया, कभी भी लाइट नहीं जाती, इलेक्ट्रिसिटी जाती। लाइट तो हमारी हर जगह प्रेजेंट रहती है, मतलब डार्क रूम की बात अगर करें हम, तो डार्क रूम में नहीं रहेगी ऑब्वियसली। लाइट क्या है, रोशनी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है। ठीक है ना, पक्की बात है, कभी भी अब ये बात मत कहना कि लाइट चले गई, पकड़ के मारेंगे हम। तो लाइट समझ आ गया। अब मैं यहां पर बात करूं बेटा प्रॉपर्टीज की, इसके अगला पॉइंट है मेरा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं बेटा, यहां पर देख लें। नंबर एक सबसे जरूरी बात है,
इसकी स्पीड जो होती है, इसकी लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम में, वो कितनी होती है? 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, ठीक है ना। स्पीड हमारी कितनी होगी लाइट की वैक्यूम में? 3 × 10⁸। ये वैक्यूम की है, एयर में इसकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है कंपैरेटिवली टू वैक्यूम, लेकिन लगभग लगभग इतनी रहती है, 2.988 ऐसे करीबन रहती, लेकिन हम क्या मानेंगे कि ये एयर और वैक्यूम दोनों के लिए वैलिड है। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको एयर और वैक्यूम दोनों के लिए वैलिड मानेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात। किसी मीडियम में क्या होता, मीडियम में इसकी स्पीड घट जाती है, मीडियम जैसे एयर हो, सॉरी वाटर हो गया, ग्लास हो गया, केरोसिन हो गया, और तुम्हारा आइस हो गया, कुछ भी सब्सटेंस ले लो, उससे अगर पास हो रही है तो उसकी स्पीड घट जाएगी। पहली बात हो गई स्पीड की। दूसरी बात की हम बात करें तो बेटा, दूसरी बात हमारी इसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो होती है 10⁴ से लेके 10⁵ हर्ट्ज तक। ये हमारी लाइट, लाइट कौन सी? जो देखी जा सकती है, ठीक है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पूरा स्पेक्ट्रम दिखाएंगे लाइट हमारी। तीसरी बात मैं और बता दूं क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि क्या हो रहा है इसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करके करेंगे, मान लो कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट यहां पर है, तो एक डायरेक्शन में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये अगर लाइट का प्रोपगेशन है, प्रोपगेट कर रही है ऐसे, प्रोपगेशन ऑफ लाइट अगर इस डायरेक्शन में हो रहा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो साथ साथ चलते रहेंगे। हालांकि लाइट अपनी इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली, मैग्नेट के फॉर्म में न्यूट्रल है, ना तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई और ना ही इस पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अपने साथ साथ क्या करती है, ये लेकर चलती है, क्या लेकर चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लेकर चलती है। बोलो बात समझ में आ गई। तो क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जो अपने साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को लेकर चलती है, ठीक है। उसी में एक हमारा फॉर्म लाइट का भी है, जो कि विजिबल रीजन की लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो क्या क्या पॉइंट हो गए, इसकी स्पीड बेटा कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी, 10⁵ से लेके 14 से लेके 15 हर्ट्ज तक। तीसरी बात बेटा इसकी सुंदर सी क्या हो जाएगी, चौथी बात इसकी वेवलेंथ की जो रेंज होगी, वेवलेंथ की जो रेंज है वो बेटा लाई करती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी क्या वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ की रेंज है, ठीक है ना। उसके बाद पांचवी बात इसकी क्या हो गई, जब तक कि इसको छेड़ा ना जाए तब तक ये क्या करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। कैसा मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, कब तक, जब तक कि इसको छुआ ना जाए, जब तक कि इसको डिफ्लेक्ट ना किया जाए। और भी इसकी बातें हैं, और इसकी बातें जो फॉर्मूला होता है v = f लैम्डा जो फॉर्मूला होता है वो लाइट के लिए कैसा है, वैलिड है, ठीक है ना। मैं यहां पर और भी चीजें दिखा देता हूं बेटा, क्या है, जैसे मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले तो वो देख लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम GAXUVIMRL, ये मैंने याद किया था जब मैं 12th क्लास में था तब मैंने ऐसे याद किया था, GAXUVIMRL मैंने याद ऐसे किया था। तो GA मतलब गामा रेज, ये हो जाएंगी हमारी एक्स रेज, ये हो जाएंगी हमारी अल्ट्रा वॉयलेट रेज, ये हो जाएगा हमारा विजिबल का रीजन, विजिबल रेज, ये हो जाएगी हमारी इंफ्रा रेड, ये हो जाएगी हमारी माइक्रोवेव, ये हो जाएगी रेडियो वेव, और ये हो जाएगी हमारी लॉन्ग वेव, ठीक है ना। तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखने की बातें क्या हैं, यहां पर देखने की बातें बेटा ये हैं, देखो क्या क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ इस रीजन को ही देख सकते हैं, किस रीजन को, विजिबल रीजन को ही देख सकते हैं, इससे ऊपर वाली और इससे नीचे वाली वेव को हम नहीं देख सकते, ठीक है ना। विजिबल रीजन में हमारे पास क्या आता है, VIBGYOR क्या आता है, विबग्योर आता है, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहला टर्म हमारा वॉलेट और सबसे लास्ट टर्म हमारा रेड। वॉलेट से ज्यादा वॉलेट पहुंच जाएंगे तो अल्ट्रा वॉलेट, वॉलेट से बहुत ज्यादा वॉलेट दैट मीन्स अल्ट्रा वॉलेट, और रेड से बहुत ज्यादा रेड दैट्स कॉल्ड इंफ्रा रेड।
वॉलेट से ज्यादा वॉलेट दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वॉलेट, और रेड से ज्यादा रेड दैट इज कॉल्ड इंफ्रा रेड। पक्की बात है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसका एक बॉक्स बनाकर दिखाऊं आप लोगों को, तो यहां पर क्या पता लगेगा कि ऐसे करके मैंने बॉक्स बनाया। बॉक्स से पहले एक चीज और सुन लें आप लोग, बॉक्स से पहले एक चीज और सुन लें, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो बेटा इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और बेटा वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी, एनर्जी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पे। तो जब फ्रिक्वेंसी नीचे जाने पे डिक्रीज कर रही है तो एनर्जी भी हमारी क्या करेगी बेटा, एनर्जी भी वेव की डिक्रीज करेगी ऊपर से नीचे जाने पे। ये मैंने किसकी बात बताई है, ये सारी की सारी मैंने बात बताई है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है मेरे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में GAXUV IMRL करके मैं याद करूंगा, गामा एक्सरे अल्ट्रा वॉलेट विजिबल इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडियोवेव लॉन्ग वेव। ठीक है, एक जो चैप्टर आता है ना ऑप्टिक्स से पहले वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो मैं इसी में ही कवर करके चल रहा हूं। ठीक है, ये वाला चैप्टर जो होगा वो उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में ही कवर हो जाना है। ठीक, क्या हो रहा कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मेरी क्या कर रही है बेटा, फ्रिक्वेंसी मेरी डिक्रीज कर रही है। ऊपर से नीचे आने पर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, गामा की। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कौन से वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, इनमें से किसकी एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट एनर्जी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके। और ऑप्शन में कोई भी चार ऑप्शन रख देगा। तो अगर हमें ये सीरीज याद है तो ऊपर से नीचे आने पे हमारी क्या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी, गामा की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, लॉन्ग वेव की। ठीक है ना, एनर्जी हमारी ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज हो रही है, दैट मींस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, गामा की। सबसे कम एनर्जी किसकी है इन सब में, लॉन्ग वेव की। ठीक है, तो यही पूरे स्पेक्ट्रम को मैंने जब देखा तो विजिबल वाला रीजन ऐसा था जिसको मैं देख पा रहा था, यानी कि मेरी आंखें कब तक के लिए सक्षम है, मेरी आंखें सक्षम है अगर मेरे को फ्रिक्वेंसी मिले 10^14 से लेकर 10^15 हर्ट्ज के बीच में अगर मेरे को फ्रिक्वेंसी मिले तो मैं उस चीज को देख पाऊंगा। इससे कम वाली और इससे ज्यादा वाली फ्रिक्वेंसी अगर मेरे को मिलेगी तो मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। यानी कि विजिबल से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी मतलब ज्यादा किसकी होगी, अल्ट्रावायलेट की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, तो ना तो मैं अल्ट्रावायलेट को देख पाऊंगा ना तो मैं इंफ्रारेड को। कभी देखा है एक्सरे कराने जाते हो, वहां पर फोटो खींचता है अपनी हड्डी का, फोटो खींचता हुआ देखा है, तो क्या उसमें से निकलने वाली रेज हमने देखी है, नहीं देखी, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी है, हमारी रेंज से बाहर है, है ना। जैसे कानों की जो रेंज होती है वो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं, वैसे ही आंखों की भी रेंज होती है कि हम 10^14 से लेके 10^15 तक ही सुन पाए, देख पाएंगे, सॉरी। ठीक है ना, तो फील करके बताओ जरा, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो ये भी तो इसी का पार्ट है। इस विजिबल को मैंने 7 रंगों में तोड़ दिया, तो क्या ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्रिक्वेंसी मेरी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वेवलेंथ मेरी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एनर्जी भी मेरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात समझ में आई। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी इन सब में, सातों रंगों में, सातों रंगों में फ्रीक्वेंसी वॉलेट की कैसी होगी, ज्यादा होगी। रेड की कैसी होगी फ्रीक्वेंसी, कम होगी, है ना, डिक्रीज हो रही है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। और रेड की वेवलेंथ कैसी होगी इन सब में, रेड की वेवलेंथ हमारी सबसे ज्यादा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, तो इसकी इससे ज्यादा इसकी होगी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, फिर इस तरीके से रेड की हमारी वेवलेंथ कैसी हो जाएगी बेटा, सबसे ज्यादा हो जाएगी। बात समझ आ रही है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें बेटा हम, ये सारी बातें हो गई, एक टर्म और है यहां पर हमारा, ये तो हो गया। अच्छा, मैं इसकी वेवलेंथ का रेंज लिख के दिखा दूं, यहां पर वेवलेंथ कैसे कैसे लाई करती है, वेवलेंथ का रेंज देख लो जरा। वेवलेंथ सबसे इधर की वॉलेट कलर की हमारी कैसी होगी, वॉलेट कलर की वेवलेंथ मैंने कहा था कि कितने से कितने लाई कर रही है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक, यही तो मैंने बोला था बेटा, बोलो हाँ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड वाले की, यानी कि इसकी कितनी होगी, 7000 एंगस्ट्रॉम होगी, और इसकी कितनी होगी, 4000 एंगस्ट्रॉम होगी, बोलो क्लियर है। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक है, वॉलेट वाले की रेंज कहां से कहां तक है, वो है 4200 एंगस्ट्रॉम, 4200 एंगस्ट्रॉम तक। इंडिगो की 4200 से 4500 एंगस्ट्रॉम तक हमारी रेंज है। फिर वॉलेट कलर की जो रेंज है 4500 से 5000 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज है।
फिर 5000 से 5500 तक की रेंज है हमारी ग्रीन की, 5500 से 6000 तक की रेंज है हमारी, 6000 तक की रेंज किसकी हो गई येलो की, 6000 से 6500 की रेंज हो गई हमारी ऑरेंज की, और 6500 से 7000 की रेंज हो गई हमारी रेड कलर की। तो ये सारी बातें हमारा एक पूरा पर्टिकुलर चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो यहाँ पर पूरा कवर हो जाता है। फिर से मैं एक बार ही सबको बता दूं, गामा GAXUVIMRL, गामा एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग वेव, इस तरीके से इसको हमने याद कर लिया। जब हमने इसको याद कर लिया स्पेक्ट्रम को, तो याद करने वाली तीन बातें और, ऊपर से नीचे आएंगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, और एनर्जी डिक्रीज। एनर्जी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड रहती है, एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, तो अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है ऊपर से नीचे आने पे, तो एनर्जी भी हमारी क्या होगी, घटेगी, वेवलेंथ हमारी बढ़ेगी। तो यहां से यह पता लग जा रहा है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वैसे तो अगर पूरे स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो लॉन्ग की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, लेकिन अगर मैं वॉलेट की ये विजिबल रीजन की बात करूं, जो रीजन हम देख सकते हैं उस रीजन की बात करूं, तो रेड कलर की वेवलेंथ हमारी सबसे ज्यादा, सबसे कम वेवलेंथ किसकी, वॉलेट कलर की हो जाएगी। पक्की बात है ना, सारी चीजें क्लियर हैं। चले अब हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज और बता दें, एक चीज यहां पर ये बता दें बेटा, क्या कि लाइट जब हमारी, जब तक उसको कोई चीज छेड़े ना, तब तक वो क्या करती है, लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में चलती है। यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि अगर हमारे पास एक ये कोई मीडियम है, कोई एक इंटरफेस है, तो अगर मेरे पास कोई लाइट रे आ रही है, कोई लाइट रे अगर मेरे पास ऐसे करके आ रही है, ठीक है, ये लाइट रे आई, मैंने कहा कि ये इसका क्या हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये हो गया इसका नॉर्मल, यहाँ पर आ गई ऐसे करके, और आने के बाद क्या हुआ, इसके साथ दो घटनाएं हुई, या तो ये रिफ्लेक्ट करी या तो ये रिफ्लेक्ट करी, ऐसे करके हो गई, या तो ये रिफ्लेक्ट, ये हमारी कौन सी लाइट है, इंसिडेंट, जो हमारी गिर रही है कहीं से आके किसी सरफेस पे गिर रही है वो इंसिडेंट, टकरा के जाने वाली इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड, टकरा के जाने वाली इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और टकरा के उस दूसरे मीडियम में चले जाने वाली इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, बात सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर मैंने कहा कि भाई जो लाइट हमारी आ रही थी, सपोज कर लो उसके पास फ्रिक्वेंसी थी एफ, मैंने कहा सही बात, मैंने कहा उसके पास स्पीड थी सी जो कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, सही बात है, मैंने कहा वेवलेंथ थी लैमडा, और इंटेंसिटी मैंने कहा आई इंटेंसिटी थी, ये चार चीजें थी जो लाइट हमारे पास आ रही थी। लाइट के पास में क्या क्या था, कोई फ्रिक्वेंसी एफ थी, स्पीड हमारी सी जो कि 3×10⁸ है, वेवलेंथ लैम्डा, और इंटेंसिटी मैंने नाम दे दिया आई। तो क्या घटना घटी, अगर वो रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्ट होने पे बेटा उसकी फ्रिक्वेंसी में देयर इज नो चेंज, उसकी स्पीड में देयर इज नो चेंज, उसकी वेवलेंथ में देयर इज नो चेंज, बट उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई, यानी कि रिफ्लेक्शन में जब हमारा रिफ्लेक्शन होगा तो किसी भी चीज में चेंज नहीं आएगा सिवाय इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी थोड़ी सी अपनी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर क्या हुआ हमारा, लेकिन अगर वो रिफ्रैक्ट हुई तो उसकी स्पीड में चेंज होगा, किसी दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड में चेंज हो जाएगा, उसकी वेवलेंथ में चेंज हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी में तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी तब भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। बात समझ आ रही है बेटा, हाँ या ना, पक्की बात है। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई, यानी कि अगर हमारी लाइट को रिफ्लेक्ट करा दो या रिफ्रैक्ट करा दो तो फ्रीक्वेंसी हमारी दोनों केसेस में क्या होगा, नो चेंज, दोनों केस में चाहे रिफ्लेक्ट कराओ चाहे रिफ्रैक्ट कराओ, दोनों केस में चेंज नहीं होगा, बात सही है। लेकिन हमारे एक तो ये हो गया कि दोनों केस में फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होगी, और दोनों केस में चेंज कौन होगा, इंटेंसिटी दोनों केस में चेंज होगी, ये भी याद रखना है। चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन, इंटेंसिटी हमारी, इंटेंसिटी क्या होती है, रोशनी पर यूनिट एरिया, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। या कह सकते हैं जो लाइट की चमक है वो चेंज हो जाएगी, चमक इज कॉल्ड इंटेंसिटी, क्लियर हो रही है बात। चले अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाँ तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले तो रिफ्लेक्शन जान लेते हैं, रिफ्लेक्शन क्या हो रहा। अगर मेरे पास कोई एक सरफेस है, ये कौन हो गई मेरी, एक सरफेस हो गई, कोई इंटरफेस हो गया, इस इंटरफेस पे अगर मैं कोई एक लाइट को गिरा रहा हूँ, ये मैंने क्या किया, एक लाइट को गिराया, लाइट को गिराया, तो ये क्या हुआ, सेम मीडियम में वापस आ गई, ये क्या हुआ, सेम मीडियम में, अगर जो मेरी लाइट आ रही थी उसको मैंने इंसिडेंट लाइट बोला, कौन सी लाइट, इंसिडेंट रे, और जो टकरा रही है इसको मैंने क्या बोला है,
रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो क्या हो रहा कि अगर बाउंस करके उसी मीडियम में वापस आ जाए, अगर लाइट रे बाउंस करके उसी मीडियम में वापस आ जाए, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर वो मीडियम यहाँ दूसरे मीडियम में चेंज करके चले जाती तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो कह सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। बाउंसिंग बैक को हमने क्या बोला, अगर सेम मीडियम में वापस आ जा रही है लाइट, उसको हमने क्या नाम दिया है, रिफ्लेक्शन नाम दिया है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा कि लाइट रे आई, टकराई सरफेस से, टकरा के उधरी वापस आ गई उसी सेम मीडियम में। अगर वो दूसरे मीडियम में चले जाती, जैसे मान लो यहाँ पर एयर है और यहाँ पर मान लो क्या है, वो वाटर है, ये इंटरफेस हमने कुछ इस तरीके से लगाया कि लाइट आई, टकराने के बाद वापस इसी मीडियम में चले गई, वाटर में चली जाती तो मीडियम चेंज हो जाता है, एयर से वो एयर में ही वापस चले गई। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में रिफ्लेक्शन के टाइप्स आते हैं, पहले तो लॉज देख लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन के क्या है लॉज है, तो पहला लॉ हमारा क्या है, पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे है, ये हमारी क्या है, एक इंटरफेस हो गया, ये इंटरफेस, और इस पर अगर हमारे पास कोई लाइट रे ऐसे करके इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट कराई यहाँ पर सरफेस पे, परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, किसी भी सरफेस पे, अगर सरफेस प्लेन है तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री को कहते हैं। अगर सरफेस हमारी इस तरीके की होती, स्फेरिकल सरफेस होती, तो इसका जो भी रेडियस होगा, जहाँ पर भी ये कोई भी लाइन, ये सब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये सब नॉर्मल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा हमारा, सरफेस पे परपेंडिकुलर बेटा नॉर्मल, तो ये सरफेस पे परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल। इसे हमने क्या नाम दिया, इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे। टकराने के बाद ये क्या हुआ बेटा, ये टकराने के बाद वापस गई इसी मीडियम में ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर क्या बात आ रही है कि इंसिडेंट रे, पहला लॉ हमारा ये कहता है कि इंसिडेंट रे, थोड़ा सा सी मेरा, इंसिडेंट रे दैट इज दिस वन रे, नॉर्मल दैट इज दिस वन, एंड रिफ्लेक्टेड रे दैट इज ब्लू वाली रे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो क्या पता लग रहा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों की तीनों रेज, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये नहीं होगा कि अलग अलग प्लेन में जाएंगे सारे के सारे, अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे ये तीनों रेज हमारी एक ही प्लेन में होंगी, ठीक है, ऑल लाई इन सेम प्लेन, पक्की बात है, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करें बेटा, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या ये हो गया हमारा पहला लॉ, इसको हमने कहा कि इंसिडेंट दैट इज आई, द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल, किस पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कॉमा ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगी। बात समझ आ रही है, बिल्कुल सही बात है। अब हम इसके सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ, हम बात करें सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, सेकंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ था जो मैंने अभी लिखाया, फर्स्ट लॉ वो था, सेकंड लॉ क्या कह रहा कि अगर कोई लाइट रे ऐसे करके आ रही है, इंसिडेंट करी, ये हो गया हमारा नॉर्मल, और यहाँ से टकरा के ये ऐसे करके जा रही है, दिस वन इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नॉर्मल से इनने एंगल बनाया, नॉर्मल से इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वॉट, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल आर, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो दूसरा लॉ हमारा कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एंगल आर होगा। दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल आई बराबर हमारा एंगल लॉ होगा। कभी कभी गलतियां क्या कर देते हैं लोग कि एंगल आई इसको ले लेते हैं, कभी कभी जो गलतियां होती हैं, तो एंगल आई इसको, या कभी क्वेश्चन में ऐसे दिखा दिया कि बेटा ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो बच्चे क्या कहते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री है, इंसिडेंट रे 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो हमारा आई कितना हो गया 60। ना बेटा, ऐसा नहीं करते, ये जो 60 एंगल है ये यहाँ वाला एंगल है, कौन सा, सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ
ट्रांसमिशन, छोड़ो अभी याद नहीं आ रहा, अभी मैं बता दूंगा क्या होता है। तो क्या पता लगा यहाँ पर कि ये लाइट रे हमारी क्या कर रही है, जिससे ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही है दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये एंगल हमारा नहीं होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, पक्की बात है, ना ही ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल एंगल किससे लिया जाएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नाम देंगे। ठीक है ना, पक्की बात है। तो दो लॉ हमारे हो गए, पहला लॉ हमारा कह रहा है कि द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन, पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ कह रहा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। ठीक है ना, ये हो गए हमारे दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेटा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, किसकी बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्या होंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जनरली दो टाइप के हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। हमारे पास पहला रिफ्लेक्शन है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है बेटा देख लें, रेगुलर रिफ्लेक्शन में बेटा हमें अपनी इमेज दिखती है, क्या दिखती है, इमेज। ठीक है, जैसे हर बेटी को अपने पति में अपने बाप की इमेज दिखती है, वैसे ही रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी हमें क्या दिखती है, अपनी इमेज दिखती है। लाइट किस फॉर्म में आ रही है, बंडल्स की फॉर्म में आ रही है, पैरेलल बीम की फॉर्म में आ रही है। लाइट अपनी पैरेलल बीम की फॉर्म में आ रही है। तो मैं यहाँ पर अगर दिखाऊँ आपको, तो ये लाइट ऐसे करके आई, ये लाइट पैरेलल इसके ऐसे आई, ये लाइट पैरेलल इसके ऐसे आई, ये सारी लाइट आई। मैंने यहाँ पर क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल क्या होता है बेटा, सरफेस से परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दिया नॉर्मल वन, यहाँ पर दूसरे का नाम दे दिया नॉर्मल टू, यहाँ पर मैंने तीसरे का नाम दे दिया नॉर्मल थ्री। और भी बहुत सारी रेज हो सकती है, मैं तीन ही बनाकर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ये जो लाइट रे आई, इसने जितना एंगल बनाया उतना एंगल बना के ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर गई। तो पता क्या लगा कि जो रेज पैरेलल आ रही थी, पैरेलल रेज इंसिडेंट कर रही थी, पैरेलल ही रिफ्लेक्ट कर गई, क्योंकि इनके नॉर्मल भी आपस में पैरेलल थे। सही है, तो पैरेलल नॉर्मल भी थे, पैरेलल रेज भी थी, तो पैरेलल ही इनको क्या होना था, जाना था। इंसिडेंट रे हमारी कैसी थी, पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी कैसी थी, पैरेलल थी, तो इनको पैरेलल ही आना था, पैरेलल ही जाना था। इस टाइप की जो सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बेटा क्या होता कि पैरेलल रेज आने वाली, पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही चले जाएं, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस टाइप का रिफ्लेक्शन जहां कहीं भी होगा वो वहां पर हमें अपनी इमेज दिख जाएगी। जैसे हम आईने में देखते हैं, हमारे पास में क्या होता, एक मिरर होता, मिरर में हम देखते हैं हमारी इमेज दिख जाती है, तो उसकी सरफेस बहुत स्मूथ होती है। अगर सरफेस हमारी ऐसे होती, उबड़ खाबड़ सी होती, तो यहां पर अगर मैं क्या करता, यहां पर अगर मैं पैरेलल रेज को भेजता, ये रे ऐसे करके आ गई, ये रे ऐसे करके आ गई, ये रे ऐसे करके आ गई, ये रेज आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, बोलो हाँ या ना, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो इस सरफेस पे नॉर्मल क्या होगा, ये बन जाएगा नॉर्मल, इस सरफेस पे नॉर्मल क्या होगा, ऐसे बन जाएगा, इस सरफेस पे नॉर्मल क्या होगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा जाने वाली रेज जो होंगी वो देखो कैसी होंगी, इससे पतला सा एंगल बनाया, इतना सा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, ऐसा होगा। यहाँ पर इतना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होगा, ऐसा। यहाँ पर ऐसा है, तो ऐसे करके जाएगी। तो देखो जरा, जो पिंक वाली रेज हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, पिंक वाली रेज अपनी कैसी दिख रही है, रिफ्लेक्टेड, आ तो पैरेलल रही थी लेकिन गई कैसे, नॉन पैरेलल। आने वाली रेज कैसी थी, पैरेलल, जाने वाली रेज नॉन पैरेलल है, क्योंकि सरफेस हमारी कैसी थी, हर एक वो सरफेस जहाँ हमें अपनी इमेज नहीं दिखती है वो रफ सरफेस है। रफ सरफेस मतलब उसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो थोड़ी सी कैसी दिखेगी, उबड़ खाबड़ दिखेगी, खुरदुरी दिखेगी, है ना। तो वहाँ पर जब रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ नॉर्मली पैरेलल नहीं है, ये नॉर्मल एन वन, ये नॉर्मल एन टू, ये नॉर्मल एन थ्री। अब ये नॉर्मली अपने आप में पैरेलल नहीं है, अगर ये पैरेलल होते तो पैरेलल रेज आती, पैरेलल ही चले जाती। अब ये नॉर्मल जब पैरेलल नहीं है, उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो वहाँ पर क्या हुआ, रेज बिखर रही है। ये वाला जो रिफ्लेक्शन कहलाया जाता है, ये बेटा कहलाया जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन है ये, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें हमें अपनी इमेज नहीं दिखती है,
तो कहाँ कहाँ हमें अपनी इमेज नहीं दिखती है, जहाँ जहाँ हमें अपनी इमेज नहीं दिख रही है, तो वो सारे रिफ्लेक्शन, वो सारी सरफेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करा रही हैं। जहाँ हम अपनी इमेज देख लेते हैं वहाँ पर हमारा कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। कभी कभी देखा होगा कि फ़र्श पे बहुत ज़्यादा पोछा लगा दिया जाए और पानी से उसको साफ़ कर दिया जाए, तो फ़र्श के जो पोर्स होते हैं, जो खुरदरापन होता है, वो भर जाते हैं, है ना। तो कुछ टाइम के लिए हमें क्या होने लगता है, वहाँ पर अपनी इमेज दिखने लगती है, लेकिन जैसे जैसे पानी सूख जाता है वहाँ का, या फिर उसका खुरदरापन फिर से वापस आ जाता है, वहां हमें अपनी इमेज फिर से नहीं दिखती है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जहां इमेज दिख जाएगी हमें वो, हाँ तो बेटा अब हम इस टाइप के रिफ्लेक्शन को जिसमें हमारी इमेज दिख जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जिसमें हमारी इमेज नहीं दिखती है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, टर्मोलॉजी सारी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं, हाँ तो बेटा अब टाइप ऑफ इंसिडेंस में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें नंबर वन आता है हमारा नॉर्मल इंसिडेंस। कौन सा इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, ये नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है बेटा, ठीक देख लेते हैं। जैसे मेरे पास में कोई एक सरफेस है, ये सरफेस हो गई मेरी, इस सरफेस पे मैंने क्या किया बेटा, इस सरफेस पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया मेरा नॉर्मल। सरफेस पे परपेंडिकुलर है ना नॉर्मल। इस सरफेस पे अगर मैं क्या कर रहा कि एक लाइट को पास करा रहा हूँ नॉर्मल के अलॉन्ग मैंने क्या किया, इसको पास कराया। ठीक है, तो नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया, एंगल आई कितना हुआ नॉर्मल से, ये जीरो हो गया क्योंकि नॉर्मल के अलॉन्ग ही आ रही है। तो जब ये टकरा के वापस जाएगी, तो ये आर जो होगा हमारा वो कितना होगा, नॉर्मल के ही अलॉन्ग होगा। जब आई जीरो है तो आर भी हमारा कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए नॉर्मल के अलॉन्ग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो चलो सिंपल है कि आई इज इक्वल टू आर दिख रहा सिंपली, है ना। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब नॉर्मल के अलॉन्ग अगर लाइट रे आएगी तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही वो क्या होगा, वापस चले जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल इंसिडेंस। अब अगर मैं बात करूं यहां पर दूसरे वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट को मैं यहां साइड से रख दे रहा हूं। दूसरा वाला पॉइंट देखेंगे बेटा लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, ग्रेजिंग इंसिडेंस इसमें कभी कभी लोग उलझा देते हैं बच्चों को। उलझा क्या देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें कुछ बताया जा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये अपना नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ, मैंने कहा कि यहाँ से क्या हुआ, एक लाइट रे ऐसे करके आई। ठीक है, मैं कहूँगा कि इस लाइट रे ने तो बेटा इस लाइट रे ने नॉर्मल से कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। एंगल आई इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री है। जब एंगल आई 90 है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें क्या देखना है कि हमारा जो लॉ है, सेकेंड लॉ, वो है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो जब एंगल आई हमारा 90 है तो एंगल आर हमारा कितना होना चाहिए बेटा, वो भी तो 90 होना चाहिए। नॉर्मल से कितना एंगल बनाना चाहिए, आर को भी 90 डिग्री बनाना चाहिए। ठीक है ना, उलझाते कैसे हैं, वो उलझाते ऐसे हैं। कैसे उलझाते हैं वो देख लें जरा, ऐसे उलझाते हैं। क्या होता बेटा देखें यहाँ पर, जैसे ये है, इसको भी यहाँ ले लो, आप भी यहाँ आ जाए बेटा। तो बेटा क्या हो रहा देखें जरा, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ कभी कभी क्या बोल देते हैं इस टाइप में, कहते हैं कि जो आई है, जो इंसिडेंट रे है, उसने क्या किया, उसने आई ने सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाया। जो इंसिडेंट रे है, ये आई नहीं है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ने सरफेस से कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। तो कहेंगे व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर देखने वाली बात ये है कि बेटा सरफेस से, ये सरफेस है अपनी, ये सरफेस है, सरफेस से आई ने कितना एंगल बनाया, 90। नॉर्मल से कितना बनाया, सरफेस तो ये सरफेस हो गई ना, ये सरफेस हो गई, सरफेस से तो इसने 90 बनाया। हमें तो एंगल आई देखना है, एंगल आई क्या है हमारा, नॉर्मल से लिया गया एंगल है अपना। एंगल आई क्या होता बेटा, नॉर्मल से लिया गया। तो एंगल जो यहां पर लिया है, इंसिडेंट रे 90 डिग्री बना रही है विद द सरफेस,
ट्रिक क्या, घुमाते कैसे हैं, कहते हैं इंसिडेंट रे, जो जो लाइट रे आ रही है उसने सरफेस से 90 डिग्री बनाया। हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है नॉर्मल से। तो आई हमें कब देना होगा, जब नॉर्मल से देखा जाएगा। तो नॉर्मल से कितना लिया जाएगा, जीरो। तो समझ में आ गया ग्रेजिंग का मतलब क्या होता, सरफेस को बिल्कुल छूती हुई निकल जाना, इज कॉल्ड ग्रेजिंग। और नॉर्मल इंसिडेंस मतलब नॉर्मल के अलोंग आ जाना, ये कहलाएगा हमारा नॉर्मल इंसिडेंस। बात समझ आ रही है बेटा, पक्की पक्की बात है, चले बहुत अच्छी बात है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं थोड़ी सी बेटा ऑब्जेक्ट की। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। तो यहां पर मेरा पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट की छोटी सी डेफिनेशन है, क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का मिल जाना, जहां से सारी की सारी रेज इंसिडेंट रे आ रही है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं क्या करूं, यहां पर मैंने एक ऐसे करके दिखाया और यहां पर मैंने क्या किया, एक प्लेन सरफेस ले ली। ठीक है, ये प्लेन सरफेस हो गई। अब मैंने यहां से क्या किया, रेज निकाली, ऐसे करके रेज गई, है ना, बहुत सारी रेज ऐसे करके गई, ऐसे गई रेज, बहुत सारी रेज गई। तो क्या हुआ, यहां से रेज जाने के बाद में कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करी, ये गई, ये यहां पर गई, ये यहां पर वापस आ गई, ये यहां पर गई और ये यहां पर ऐसे चले गई। ठीक है, तो बेटा जो पिंक वाली रेज है आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन जो ब्लैक वाली रेज है वो कहलाएंगी हमारी इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे मीट कहां कर रही है, इंसिडेंट रे मीट कर रही है यहां पर, और इस पॉइंट को हमने, जहां पर इंसिडेंट रे मीट करती है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि जहां पर भी सारी की सारी हमारी इंसिडेंट रे मीट करेंगी, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, हम नाम देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट हमारा यहां पर यह आता है कि इमेज क्या होती, दूसरा पॉइंट है बेटा हमारा इमेज क्या होती। तो मैं कहूंगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ये कहलाएगा बेटा हमारा इमेज। इमेज के लिए हम क्या कहेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी ये चले गई, जैसे यहां पर मैं अगर दिखाऊं तो ये रिफ्लेक्टेड रे चले गई। अगर मैं इनको मीट कराऊं तो ये पीछे की तरफ यहां पर कहीं पर मीट करती हुई दिखेंगी, ऐसे करके, है ना, थोड़ा सा सिमेट्री गड़बड़ हो रही है, ऐसे करके ये मीट करती हुई फील होंगी हमें। मैं दूसरा फोटो बना देता हूं, ऐसे करके ले लो, ये हो गया, ये गायब हो गया, और यहाँ पर मैं इसको भी गायब कर देता हूँ, थोड़ा सुंदर सा बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास में एक कोई प्लेन सरफेस हो गई, मिरर भी कह सकता हूँ, लेकिन अभी मिरर आप लोगों ने पढ़े नहीं है इसलिए मिरर नाम नहीं लेना चाह रहा था मैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ, लाइट रे ऐसे करके गई, एक ऐसे करके गई, ऐसे करके गई, ये तीन लाइट रे गई, रिफ्लेक्ट होके ये क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे करके चले जाएंगी, ये गई रिफ्लेक्ट होके, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे। तो जहां पर ये इंसिडेंट रे मीट कर रही है उसको नाम दे दिया हमने ऑब्जेक्ट, और मैंने कहा जहां रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है उसका नाम दिया मैंने इमेज। अब रिफ्लेक्टेड रे एक यहां जा रही है, एक यहां जा रही है, एक यहां जा रही है, कहीं मीट होती है दिख ही नहीं रही है। तो मैं क्या करता कि इन रिफ्लेक्टेड रे को डॉटेड लाइन से, ऐसे करके डॉटेड लाइन से और ऐसे डॉटेड लाइन से मैं मीट करा देता। ठीक है, तो यहां पर ये मुझे मीट होती हुई फील हुई, एक्चुअली में मीट नहीं हुई। तो वहां पर मैंने नाम तो दे दिया इसे इमेज, लेकिन ये सच्ची में मीट नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया, वर्चुअल इमेज। जब सच्ची में रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं होती है तो उसे हम लोग नाम देते हैं वर्चुअल इमेज। मीट होने को, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं उनके मिलने को हम लोग बोलेंगे इमेज, उस पॉइंट को बोलेंगे इमेज। सच्ची में अगर मिल रही है तो रियल इमेज, और सच्ची में नहीं मिल रही है तो कहलाई जाएंगी ये वर्चुअल इमेज। सच्ची में जहां पर इंसिडेंट रे मिलेंगी दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और सच्ची में अगर इंसिडेंट रे नहीं मिलेंगी उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैं यहां पर और दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा और देख लो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस भी दिखा देता हूं। ठीक है, ये पॉइंट को यहां रखा मैंने इमेज वाले को, मैं एक और दिखा देता हूं। यहां पर क्या हुआ, ये मेरे पास में एक कोई सरफेस हो गई। ठीक है, ये हमारा कोई भी ना बनाओ। यहां पर मैंने क्या किया, ऐसे रेज आ रही है, सपोज कर लो कैसे आ रही है, ऐसे रेज,
ये रेज आई, ठीक, और बहुत सारी रेज आ रही हैं, ऐसे करके रेज आ रही हैं, ऐसे करके रेज आ रही हैं, बहुत सारी रेज आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये रेज आ रही हैं बेटा, ठीक है, ये आई, ये आई, इस तरीके से रेज आई, ठीक। रिफ्लेक्शन जब हुआ यहाँ पर, जब यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, ये रे यहाँ टकरा के गई, ये रे यहाँ टकरा के गई, यहाँ टकराई, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट करी, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, इमेज। अब ये बताएं क्या ये रिफ्लेक्टेड रे सच्ची में मीट करी, हाँ भाई सच्ची में मीट करी, तो इस इमेज को हम क्या नाम देंगे बेटा, रियल इमेज नाम देंगे। लेकिन यहाँ चमकीला देखा जाएगा, अगर थोड़ा चमकीला सा, तो क्या देखा जाएगा कि ये जो इंसिडेंट रे है ये पीछे कहीं तो मीट नहीं होंगे, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है ऐसे करके, ऐसे करके डाइवर्ज हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये यहाँ कहीं वर्चुअली मीट होती हुई दिखेंगी, है ना, फील होगा कि ये यहां से आ रही है। तो इस पॉइंट को मैंने नाम तो दे दिया ऑब्जेक्ट, लेकिन ये सच्ची में यहां पर नहीं मिल रही है हमें, तो यहां से आती हुई थी ना, यहां कहीं मिल ही नहीं रही है हमें, यहां आभास हो रहा है कि यहां आके मिल रही है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दूंगा कैसा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो बेटा क्या समझ आया कि मेरा रियल इमेज कौन होगी, रियल इमेज वो होगी जहां पर सच्ची में रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, रियल ऑब्जेक्ट वो होगा जहां सच्ची में, ये है हमारा रियल ऑब्जेक्ट, जहां सच्ची में इंसिडेंट रे मीट कर रही है, वर्चुअल इमेज वो होंगी जहां रिफ्लेक्टेड रे आभास हो रहा है मीट होती हुई, और रियल इमेज वो होगी, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होगा जहां हमें आभास हो रहा है इंसिडेंट रे के मीट होने का। क्लियर है बात ये, चलें बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में बेटा मेरे पास आता है टॉपिक प्लेन मिरर। क्या आता है मेरा, प्लेन मिरर। अब मैं थोड़ा सा मिरर के बारे में जानकारी ले लूं कि मेरा प्लेन मिरर है क्या। प्लेन मिरर मेरा एक ऐसा ग्लास का सरफेस है जिसकी एक साइड को मैं क्या कर देता हूँ, जिसकी एक साइड को मैं कोटिंग कर देता हूँ ऐसे करके, एक साइड को मैं कोटिंग कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी, ये मेरा सरफेस हो गया रेड वाला, और इसके पीछे रेड वाला मेरा ग्लास का सरफेस, और इसके पीछे मैंने एक कोटिंग कर दी। मैं और सुंदर दिखा सकता हूँ इसको आपको, जैसा होता है वैसा भी दिखा सकता हूँ। कैसा होगा, ऐसा होगा, ये यहाँ पर ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, और कोटिंग इसके ऊपर लगभग लगभग इस कलर की कोटिंग होती है, ऐसे 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 करके, ऐसे करके कोटिंग होती है। दो तरीके की कोटिंग होती है ग्लास की सरफेस पे, कोटिंग होती है दो तरीके की, एक होती है हमारी रेड ऑक्साइड की कोटिंग, ठीक है, और एक होती है हमारी सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग, सिल्वर ऑक्साइड। अब ये जो कोटिंग हो रही है, ये जो रेड ऑक्साइड की होती है उससे जो आईने बनते हैं हमारे वो चीप होते हैं, और जो सिल्वर ऑक्साइड वाली होती है उससे हमारे जो आईने बनते हैं वो होते हैं कॉस्टली। यानी कि इसमें जो क्वालिटी आती है इमेज की वो थोड़ी सी शार्प आती है, इसमें जो क्वालिटी आती है वो थोड़ी सी ब्लर आती है, ठीक है ना। तो रेड ऑक्साइड जब कभी देखा होगा आईने के पीछे रेड कलर का पोर्शन, और यहां पर देखा होगा सिल्वर ऑक्साइड, तो सिल्वर कलर का पोर्शन भी देखा होगा आईने के पीछे। तो ये कोटिंग होती है ग्लास की सरफेस पे, ताकि यहां पर क्या हो, लाइट वापस बाहर ना चले जाए, ठीक है। अब ऐसे ही पेंट ना करने बैठ जाना कि उस पर लिया और सिल्वर कलर का पेंट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, सिल्वर सिल्वर ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। उस पे एक लेयर चढ़ाई जाती है रिफ्लेक्शन के लिए, लेयर चढ़ाने के बाद फिर कोटिंग होती है, ठीक है, घरों में नहीं होता ये सारा काम। तो प्लेन मिरर हमारा समझ में आ गया, प्लेन मिरर की खास बात क्या क्या है वो देख लेते हैं बेटा हम लोग यहां पर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, प्लेन मिरर की खास बात देख लेते हैं क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या है प्लेन मिरर की। मैंने अगर यहां पर प्लेन मिरर रखा, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया प्लेन मिरर, ठीक है, ये मेरा कोई भी एक लाइन है, ठीक। इसमें क्या, अगर मैंने यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पहली प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। यहाँ जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी मेरे को, मान लो ये y है, तो ये y बराबर भी मेरा कितना होगा, x, और वो भी माइनस साइन के साथ, क्योंकि अपोजिट साइड में बनेंगी, ठीक है। ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या पता लगा कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इमेज इसकी बन रही है, तो क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि अगर इस साइड को पॉजिटिव लिया तो ये साइड आपकी कैसी हो जानी है, नेगेटिव हो जानी है, और ये साइड अगर पॉजिटिव लिए तो ये साइड कैसी हो जानी है, नेगेटिव, ऑपोजिट रहेगा, माइनस साइन रहेगा, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, क्या पता लगा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है बेटा या नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। दूसरा पॉइंट हमारा ये है बेटा क्या, कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
और हाइट ऑफ इमेज प्लेन मिरर में कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। तो यहां पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें देयर इज नो चेंज, ना तो साइन में कोई चेंज है, क्योंकि अगर हमने प्लेन मिरर के सामने मुंडी ऊपर करके खड़े हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम चमगादड़ की तरह मुंडी नीचे करके दिखेंगे, वो कैसे दिखेंगे, मुंडी हमारी ऊपर ही दिखेगी, ठीक है ना। तीसरी बात हमारी ये होती बेटा इसमें कि लैटरल इन्वर्जन होता है, क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन टेक्स प्लेस, लैटरल इन्वर्जन टेक्स प्लेस, क्या होता है लैटरल इन्वर्जन बेटा, लैटरल इन्वर्जन क्या है वो देख लेते हैं। लैटरल इन्वर्जन कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके का भ्रम है, ये क्या है, एक तरीके का भ्रम है, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है, जनरली हमें जो दिखता है वो क्या दिखता है कि राइट साइड हमारी लेफ्ट हो जाती है और लेफ्ट साइड हमारी राइट हो जाती है, ये है लैटरल इन्वर्जन। लेकिन हो क्या रहा है उसमें, एक्चुअल में जो चीजें हो रही हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो सपोज कर लो कि क्या हो रहा है लैटरल इन्वर्जन में, जो जनरल बात हो गई वो क्या हो गई लैटरल इन्वर्जन की, लैटरल इन्वर्जन में राइट साइड मेरी कैसी दिखती, लेफ्ट दिखने लगती और लेफ्ट साइड मेरी क्या दिखती है, राइट दिखती है, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, लैटरल इन्वर्जन का केस जो हो रहा वो मैं आपको दिखाऊं, देखें जरा यहां पर लैटरल इन्वर्जन देख लें कि हो क्या रहा, लैटरल इन्वर्जन। तो यात्रीगण लैटरल इन्वर्जन में मान लो, सपोज कर लो क्या हो रहा, ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन को मैंने मान लिया कि ये प्लेन मिरर है और इस स्क्रीन के सामने मैं इस तरीके से खड़ा हो गया, समझ में आ रहा, मैं इस तरीके से इस स्क्रीन के सामने खड़ा हो गया, मेरे एक हाथ में वॉच है, ये मेरे सीधे हाथ में वॉच है और लेफ्ट हैंड में मेरे ये मार्कर है, जो भी हमारा स्टाइलस है ये मेरे किस हाथ में है, बाएं हाथ में, राइट हैंड में क्या है वॉच है और लेफ्ट हैंड में मेरे क्या है ये स्टाइलस है। इसको मैंने क्या माना है, इसको मैंने माना है मिरर। अब मैं मिरर से कुछ दूरी पे ऐसे करके खड़ा हुआ हूं तो मेरा ये हाथ, ये वाला जो राइट हैंड है ये इस मिरर से मेरा करीब है, है ना। तो जितनी डिस्टेंस है इससे मेरे मिरर से, वो इस हाथ की जितनी डिस्टेंस है वो उस इमेज की भी उतनी डिस्टेंस बनाएगा। अब मेरा हाथ करीब है तो जो इमेज बनाएगा वो उसकी करीब बनाएगा ना, है ना। तो यही तो हो रहा, ये वाला हाथ इस मिरर से दूर है, मिरर से दूर है तो इस हाथ की जो इमेज बनाएगा, इस हाथ की जो इमेज बनाएगा वो दूर बना देगा, तो हमें दिखेगा क्या कि हमारे लेफ्ट हैंड में घड़ी आ गई, राइट हैंड में स्टाइलस आ गया। ऐसा होता तो नहीं है ना, राइट हैंड में घड़ी है तो राइट ही हैंड में दिखेगी, लेकिन हो क्या रहा, वो बेचारा इसके पास दिमाग नहीं है, मिरर के पास दिमाग थोड़ी होता, उसको तो इतना पता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, जितना करीब ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी करीब उसकी इमेज बनेगी। इस मिरर से मेरा ये वाला हाथ करीब था जिसमें मेरे वॉच है, तो ये वाला हाथ करीब है तो इसकी इमेज इसने करीब बना दी, ये वाला हाथ मेरा दूर था इसकी इमेज उसने क्या करा, दूर बना दी। मैं फील करके दिखाता हूं कि हो क्या रहा है यहां पर, देखें जरा। जैसे अगर मैं कहूंगा यहां पर क्या है, एक मेरे पास प्लेन मिरर रखा हुआ है, ये क्या है उसके पास में कोई भी एक लाइन है, ठीक है। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं कि मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो गया ऐसे, इस पॉइंट का नाम दे दिया वन, इस पॉइंट का नाम दे दिया टू और इस पॉइंट का नाम दे दिया थ्री, ये पॉइंट टू ये पॉइंट थ्री। अब क्या मेरे को फील करके सभी यात्रीगण बता सकते हैं कि इस मिरर से पॉइंट नंबर वन मेरा करीब है और पॉइंट नंबर टू थोड़ा दूर है, तो जो पहले है उसकी इमेज वो पहले देगा ना, इतना दूर था तो इतना दूर इसकी इमेज दे दी, इसके बाद क्या करेगा वो पॉइंट नंबर टू की इमेज देगा, फिर उसके बाद क्या करेगा वो पॉइंट नंबर थ्री की इमेज दे देगा। कुछ ज्यादा गलत हो जा रहा, यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, कहोगे लैटरल इन्वर्जन हो गया, वाह भाई वाह, यहाँ पर क्या था ऐसे था, ये इसने मुंडी यहाँ पर घुमा दी, यही लैटरल इन्वर्जन है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में बेटा ये हो रहा कि जो बंदा जो डिस्टेंस मिरर से जितना दूर होगी उसकी इमेज वो उतना दूर बना देगा। इस चीज को आप चाहे लैटरल इन्वर्जन नाम दे दो, तो हमने लैटरल इन्वर्जन नाम दे दिया। और भी मैं फिगर दिखा सकता हूँ आपको, आपको फिगर में ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये लैटरल इन्वर्जन में इसको फेंको टोनी स्टार्क बन के, यहां पर ऐसे करके फेंक दिया, दूसरा देखो ये हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं इस तरीके से, ये हो गया मेरा ऐसे, ठीक,
इसका नाम दिया वन, इसका नाम दिया टू, इस पॉइंट का नाम दिया थ्री, इस पॉइंट का टू, इस पॉइंट का वन। ठीक, अब सबको दिख रहा कि थ्री वाला जो पॉइंट है वो मिरर से करीब है, थ्री वाला पॉइंट मिरर से करीब है, तो इसकी इमेज भी क्या हो जानी है, इसकी इमेज भी तो पहले बन जानी है। बोलो हाँ या ना, ये थ्री वाला पॉइंट, ये टू वाला पॉइंट और ये वन वाला पॉइंट, बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझ में आ रहा लैटरल इन्वर्जन क्या है। एक्चुअली में लैटरल इन्वर्जन कुछ नहीं है, वो बेचारा मिरर जानता ही नहीं है कि हो क्या रहा, जितना दूर उससे ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी इमेज वो उतना ही दूर बना देगा। बात समझ आ रही है बेटा? तो बताएं जरा यहां तक किसी को कोई आपत्ति है? आज का क्लास हम यहीं पर ही खत्म कर रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे, थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक्सप्लेन अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े रहे। सारा टॉपिक मैं अब से, आज से जो भी ऑप्टिक्स के टॉपिक्स होंगे मैं सारे के सारे कराऊंगा। यहां पर हम ऑप्टिक्स के टॉपिक कराएंगे, अभी फिलहाल ऑप्टिक्स कराऊंगा, उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स कराऊंगा। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कोई दिक्कत रही होगी तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से अगले क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरी स्पीड अगर ज्यादा रही होगी तो भी बच्चे बता देंगे कि स्पीड ज्यादा है, मैं स्लो भी कर दूंगा। ठीक है ना, चले तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।